हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। आई होप आप सारे मज़े में होंगे, बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ज़बरदस्त सा जंगली चिकन, जो 5 से 6 मसालों में बन जाता है और जिसका स्वाद तो आप भूले नहीं भूल पाएंगे। और इसको बार बार बनाएंगे और ज़रूर खाएंगे। बहुत ही अम्मी सी रेसिपी है। ज़्यादा देर ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे हमारे नए वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो यहाँ पर हमें लेना है थोड़ा सा ऑयल, उसको हमें गर्म कर लेना है। और 8 हमें लेनी है मुर्गी की टांग, चिकन लेग पीस लेना है हमें। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं चिकन लेग पीस, उसके अंदर मैंने थोड़ा सा कट लगा दिया है क्योंकि थोड़ी मोटी मोटी लेग पीस है तो आराम से पक जाए, इसलिए मैंने इसके अंदर कट लगा दिए हैं। और उसके बाद हम इसको अच्छी तरीके से फ्राई कर लेंगे, मतलब हाफ कुक कर लेंगे, जिससे ईजिली हमारा चिकन जल्दी से पक जाए। और इसमें कम मसाले जाते हैं, कोई टेंशन की बात है नहीं, जल्दी से बन जाता है फटाफट। तो हम चिकन को यहाँ पर फ्राई कर रहे हैं, जब तक हम अपने मसाले की तैयारी कर लेते हैं कि हमें इसके अंदर क्या क्या डालना है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है मूसली, क्योंकि हम इसको मसाले को कूट के डालेंगे। जंगल की रेसिपी है, जंगल में ये खाते थे राजा महाराजा जब शिकार पे जाते थे। जंगली मांस बनता था, चिकन नहीं बनता था। तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने ले लिया है साबुत धनिया, इसको भी हम दरदरा कूट लेंगे। जितना कूटा जाएगा उस हिसाब से उतना ही कूट लेंगे, कोई इसमें ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना, क्योंकि इतनी टेस्टी डिश है ना कि आप बिना मेहनत के भी इसको बहुत ही अच्छा बना सकते हो। देखो कितना दरदरा पीसा है मैंने, अगर आप कैमरे में देख सकते हैं तो। उसके बाद मैं इसके अंदर डाल दूंगी 2 इंच अदरक का टुकड़ा, और 15 हमने डाल दिया है लहसुन के जवे, और इसको भी मैं दरदरा कूट लूंगी, ठीक है। क्योंकि जंगल में ज़्यादा चीज़ें अवेलेबल नहीं होती, जितनी चीज़ें हम लोग लेकर जाते हैं, अगर हम लोग कैंपिंग कर रहे होते हैं, जितनी चीज़ें हम लोग लेकर जाते हैं उतने में ही हमें गुजारा करना होता है। तो पत्थर से पत्थर घिस घिस के हम मसालों को कूट सकते हैं। तो बस इसी तरीके का मैं प्रोसीजर दिखा रही हूँ चिकन में। आप चाहें तो अगर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो मैं उसको आपको मटन में भी दिखाऊंगी कि मटन में ये कैसे बनता है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको चिकन में दिखाया। तो अदरक लहसुन कुटा हुआ हमने वो डाल दिया है, और एक कुटी हुई मैंने हरी धनिया डाल दी है, 6 सूखी लाल मिर्च साबुत डाल देंगे, 1 टीस्पून लाल मिर्च डाल देंगे पाउडर, और यहाँ पर स्वाद के हिसाब से हम नमक डाल देंगे। उसके बाद हम इसको कर लेंगे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स। और जब आप इसे मिक्स कर रहे होंगे ना और मसाला भून रहे होंगे, तभी आपको इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे। उसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे 1 लेमन जूस। इसके अंदर बहुत ही अच्छी खटास सी आ जाएगी, जो बहुत ही अच्छी लगेगी चिकन में। और फिर हम कर लेंगे इसको अच्छी तरीके से मिक्स। बस अब हमें इसके अलावा इसके अंदर कुछ नहीं डालना, ये हमारा मसाला जितना भी जाना था वो चला गया है, कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा नहीं डालना। बस पानी डालिए और चिकन को हम अच्छी तरीके से पकाएंगे। अब मुझे चिकन का कलर थोड़ा सा अच्छा लाना था, तो मैं इसके अंदर पिंच डाल दूंगी फूड कलर का। ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें डालें, नहीं डालना चाहें नहीं डालें, लेकिन अगर आप गेस्ट के आगे सर्व करेंगे तो थोड़ा सा कलरफुल खाना अच्छा लगता है ना, मज़ेदार सा, तो बस वही करना है। और बस इतने ही पानी में हम इसको लिड लगा के टेंडर कर लेंगे, चिकन को गला लेंगे। और अब हम इसे खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त लग रहा है, और इतना यम्मी फूड कलर डालने से तो इसका रंग ही अलग हो गया है। टेस्ट में तो ये बिना फूड कलर के भी लाजवाब बनता, फूड कलर से सिर्फ रौनक आ जाती है खाने में, उसे स्किप कर सकते हैं। हम इसे कर लेते हैं डिश आउट। ये देखिए ज़बरदस्त हमारा जंगली चिकन बन के रेडी है। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर रेसिपी ट्राई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइए, जिससे दूसरे लोगों को भी नॉलेज मिले। अगली रेसिपी मिलती हूँ, जब तक के लिए।